ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज गुरु गोरखनाथ का एक ऐसा शाबर मंत्र लेकर आया हूं जो कि दूर बैठी किसी भी स्त्री को, जिसे आप चाहें, आपके अधीन कर देगा। एक ऐसा पावरफुल वशीकरण मंत्र जो कि किसी को भी आपकी ओर मोहित कर सकता है, और ये इतना प्रबल होगा कि चाहे कितनी ही पत्थर दिल स्त्री क्यों ना हो, वो भी आपके सामने घुटने टेकेगी। चाहे सात समुंदर पार ही किसी को आकर्षित करना हो, वो भी इस मंत्र से संभव है। तो आपको बस करना इतना है कि इस मंत्र की साधना पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए, और फिर जो है चमत्कार देखिएगा किस तरह से जो भी साध्य है वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आपके पास आएगा और बस आप ही के गुणगान करेगा। ये साधना थोड़ी विचित्र है। इसमें आपको क्या करना है कि किसी शुभ नक्षत्र में किसी चौराहे की मिट्टी ले आए और उस मिट्टी से एक मूरत बनाए। उस स्त्री की आपको आकृति बनानी है, मूरत बनानी है, चाहे वो कैसी बने। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कितनी भली प्रकार से बनाते हैं, बस आपको जो है अपने साध्य की मूरत बनानी है। दो पैर, दो टांगे और वक्षस्थल, ये आपको अच्छी प्रकार से बना लेने हैं, और ऐसा मानना है कि ये जो है ये आपकी जो भी साध्य स्त्री है वो है, उसकी आपने एक मूरत बना ली है। ऐसा करने के बाद आपको प्रतिदिन उस मूरत के सामने इस साधना को करना होगा। साधना को करते हुए आपको ये सुनिश्चित करना है कि उनके वक्ष स्थल पर जो आपकी मूरत है वहां पर आपको उसका नाम लिख देना है, और आपको ऐसा महसूस करना है कि ये जो मूरत है ये जीवित जीवित है, और जो साध्य स्त्री है उसकी आत्मा इसमें है। आप जो भी इस मूरत में करेंगे वो सब कुछ उसके साथ होगा, और इस साधना में आपको सब कुछ लाल रंग का चाहिए होगा। लाल रंग के वस्त्र, रक्त बीज, रक्तासन, ये सब कुछ जो है लाल लगेगा, और आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होगा, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ मुँह करके बैठ जाइएगा। रक्त का आसन लगाइएगा, रक्त आसन मतलब लाल रंग का आसन, कोई खून खान का की बात नहीं है, आपको लाल रंग का आसन लगाना। रक्त बीज आते हैं जिसे चिरमी कहा जाता है, आपको वो लगेंगे, चावल लगेंगे, दीपक लगेगा, और धूप दीपक नवेद जो भी आप अपनी साधना को प्रबल करने के लिए कर सकें वो सब एकत्रित कीजिएगा। और इसके बाद ये जो शाबर मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ गुरु गोरखनाथ का, इसका 31 माला आपको रोज जाप करना है। 31 माला एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही जगह पर, जो भी आप स्थान बनाएंगे एकांत में, वहाँ पर आपको ये साधना करनी है। यदि एक हफ्ते के भीतर आपको असर दिख जाता है तो आपकी साधना जो है वो सफल हो गई है, और यदि स्त्री जो है वो विदेश में रहती हो तो इस साधना को 41 दिनों तक कीजिएगा। 41 दिनों के भीतर भीतर आपको इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ सात समुंदर पार करती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और आपकी ऊर्जा कितनी है, आप किस भली प्रकार से इसको करते हो, ये सब इसमें देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले एक मूरत बना लेनी है, किसी भी चौराहे की मिट्टी लाकर उससे आप एक मूरत बनाएं और उसके वक्ष स्थल पर उसका नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद आप ऐसा महसूस करें कि इसके भीतर उसी स्त्री के प्राण हैं। आप जो भी यहाँ पर करेंगे वो सब कुछ उसके साथ होगा, और इसके बाद जो है आपको इस मंत्र का गुम्फन करना है। मंत्र का गुम्फन करते हुए आपको सिर्फ ये सोचना है कि सामने वाला जो है वो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, आप उसे वशीभूत कर रहे हैं, और अब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि उसे आपसे अलग कर पाए। और जितना अधिक आप इसमें विश्वास करेंगे, जितना अधिक आपका मनोबल होगा,
उतनी ही शीघ्रता से ये मंत्र जो हो चलेगा, और एक बार लग गया तो यूं समझिए उम्र भर के लिए वो आपकी है। ऐसा कोई तांत्रिक नहीं, कोई सिद्ध नहीं जो कि इस मंत्र की काट कर दे। स्वयं मुझे भी इसकी काट नहीं आती, क्योंकि इसकी काट होती ही नहीं है। शाबर मंत्र है, इसको यदि आप आज से शुरू करते हैं तो कल भी इसका असर दिख सकता है। तो मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। ओम जंगल की जोगिनी, पाताल में नाग, उठ गए मेरे वीर, लाओ मेरे पास। जहां जहां जाए मेरे सहाई, तहां तहां आव, कज भरी कज भरी। अंतासो अग्री, तक नफे तक एक फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा। जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। मंत्र काफी बड़ा है, तो सबसे पहले इसको कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद ही जो है आपको आगे बढ़ना है। तो मंत्र एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। ओम जंगल की जोगिनी, पाताल में नाग, उठ गए मेरे वीर, लाओ मेरे पास। जहां जहां जाए मेरे सहाय, तहां तहां आव, कज भरी अंतासो अग्री। तक नफे तक एक फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा। जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो आपको इस मंत्र का 31 माला रोज जाप करना है। जिस भी स्त्री पुरुष को अपने अनुकूल करना हो, उसकी मूरत बनाएं और उसके वक्ष स्थलों पर उसका नाम लिख दें, और जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह से इसकी साधना करें, तो लगभग एक हफ्ते के भीतर भीतर इसका असर दिख जाता है। और ये शाबर मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। बस अब आप आज से शुरू करते हैं तो आपको इसका असर कल भी दिख सकता है। साधना में कुछ सावधानियां रखी जाएंगी जो कि इस प्रकार हैं। आपको किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ प्रयोग में नहीं लाना है। यदि आप किसी भी प्रकार का गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब प्रयोग में लाते हैं तो इसे आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए आपके मुख का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। यदि आप लाल पीले मुंह वाले हैं तो इन मंत्रों का प्रयोग ना कीजिएगा। मंत्र की सिद्धि के लिए आपकी शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो जो भी इन सब व्यसनों में पड़े हुए हैं और वो सोचते हैं कि इन मंत्रों से वो किसी को आकर्षित कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। मंत्रों को चलाने के लिए आपकी ऊर्जा देखी जाती है, आपके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं जो कि हर चीज़ में नफा नुक्स निकालते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको कि मैं पहले ही दिन से भगा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए नहीं हैं। और जो मुझे लगता है कि ये सिद्ध कर पाएगा, तो मैं देखता हूँ कि अगले ही दिन वो मुझे बताता है कि इसका काम जो है बन गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जितने भी मंत्र हैं, ये साधनाएं हैं, ये तपस्या है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे कोई भी कर सकता है। दृढ़ संकल्प और मन की शुद्धि यहाँ पर जो है ईंधन का काम करेगी। अपने आप को स्वच्छ रखें, अच्छे विचार लाएं, अच्छी बातें करें, भगवत कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। बस अपने मन को शुद्ध रखकर भजन करें, कीर्तन करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, और फिर यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो इस विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि आपको आपके प्रेमी से मिलाने में अड़चन पैदा कर सके। और ये सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोगों पर आजमाने के बाद ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इतना प्रभावी, इतना चमत्कारी मंत्र शायद ही कोई हो जो कि एक बार लग जाए तो किसी के हटाए ना हटे। इस मंत्र में अपार शक्ति है और इसका आपको पता तभी चलेगा जब आप इस साधना को करेंगे। और ये साधना गुप्त रखी जाती थी, लेकिन आज के युग में सब कुछ जो है वो आपकी उंगलियों पर है। आप
गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसी साधनाएं मिलना बहुत कठिन है, तो ये साधनाएं आपको सिर्फ मिल सकती हैं kaliavidya.com पर। और यदि कुछ पूछना हो, कुछ त्रुटि हुई हो, कोई मंत्र समझ में ना आए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohiniavidya.com पर। धन्यवाद।